अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। राज संतोषी, भगवान के बारे में ऐसा नहीं सोचते प्लीज। अच्छा 7:15 हो गए, मैं सोने जा रहा हूँ, शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मुझे अपना हाथ दे सकते हैं? Sure. You... देविका। Ah, that's a sexy name and I must say that's a sexy frame. I like what I see. And I like what I see. I'm telling you, Isha, Arush is a nice guy. तू उस नाइस गाय की बात तो नहीं कर रही है जो इस वक्त मैडम टू पीस के साथ फ्लर्ट कर रहा है। टू पीस में इतनी सेक्सी लगती हो तो नो पीस में सुभान अल्लाह कमाल हो जाएगा। देविका जी प्लीज मुझे हाथ मत लगाइए। एक बात याद रखिए, शर्म और लाज तो औरत का गहना होती है बहना, हमेशा उसको संभाल के रखना चाहिए। ये लीजिए आप, प्लीज तकिए अपने आप को। एनी मोर डाउट्स? अरे भाभी जी आप संगीत की रिहर्सल कैसे चल रही है? आरुष तुम्हें ईशा का दूल्हा बनना पड़ेगा। मैं कैसे दूल्हा बन सकता हूँ? अरे असली में शादी नहीं करनी है तो फिर? सिर्फ स्किट के लिए एक्टिंग करनी है। अरे असली में करनी हो तो मेरा मतलब है मुझे कहाँ आती है एक्टिंग वेक्टिंग? आप बताइए ना क्या नाम है? बहना बहना बताइए ना प्लीज प्लीज। ईशा अब ये तो सिर्फ तुम ही समझा सकती हो। कीजिए ना, सब कर रहे हैं। मैं कैसे कर सकता हूँ शादी? शादी नहीं, एक्टिंग की बात कर रही हूँ। अरे एक्टिंग एक्टिंग कहाँ से कर सकता हूँ, मुझे कहाँ आती है एक्टिंग। खैर ठीक है, अगर आप कहती है तो मैं कर लेता हूँ। वैसे मुझे कहना क्या होगा? आई लव यू अर्जुन। हाँ I love you. तुम्हें कहना है आई लव यू। हाँ तुम्हारी लाइन है। Isha ji, I can't do this. I'm sorry. Are you okay? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम ये जानना चाहती हो कि मैं वहाँ से क्यों चला आया। अगर बताना चाहो तो। I love you, Arush. कहा था उस लड़की ने। ये तीन पवित्र शब्द उसने कितनी आसानी से इस्तेमाल किया। She made these three words so cheap and so vulgar. She broke my heart. अपना टिचकुल इनाम था उसका। अपना I hate you. Why did you do this to me? Why are you sorry? तुमने थोड़ी कोई गलत काम किया। इसे जगह मैं किसी से I love you कहूंगा तो सिर्फ उसी से जो I'm sorry कहकर मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, जो मेरी तरह प्यार में खुद को भी भुला देगी, जो मुझसे प्यार करेगी। क्या हुआ ईशा जी? सोच रही हूं कि क्या तुम सचमुच ऐसे हो या फिर यह सब दिखावा है। ईशा जी यही सवाल मैं आपसे भी पूछ सकता हूं कि आप सचमुच ऐसी हैं या ये सब दिखावा है ना? पॉइंट एक्सेप्टेड। लाइन बदल देंगे, तुम्हें आई लव यू कहने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू ईशा जी, थैंक यू वेरी मच। आइए ईशा जी आपके पीछे मैं। जब से तुमको जाना है तब से तुमको चाहा है, जब से तुमको चाहा है तब से खुद को जाना है। यही कहने के बहाने ढूंढता दिल दीवाना है। अर्जुन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ मत कहना। I love you, Isha. I love you. I love you too, Arush. You're getting late for your flight. This is a moment जब मुझे तुमसे कहना चाहिए था कि I'll miss you, etc., etc. लेकिन तुम तो 3 दिन में वैसे भी सिडनी आ रहे हो। Yeah. But
I will miss you. I'll miss you too. Arush. You won't break my heart, no? मैं भी कितना बेवकूफ सा सवाल पूछ रही हूँ ना जो इंसान अपनों की रिश्तों की इतनी कद्र करता हो वो किसी का दिल नहीं तोड़ सकता है ना ईशा सपोज हाँ डोंट टेक मी सीरियसली सपोज अगर मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूं तो क्या होगा तो मैं टूट जाऊंगी ऐसे जैसे मौत से टकराकर जिंदगी दम तोड़ देती है देविका तुम यहाँ क्या कर रही हो? Hi Stella, you listen? Postpone my ticket by 3 days. Because I'm in love. Thank you. Driver? जी. गाड़ी वापस घुमा दो. Hi sexy. देविका. देविका stop it. देविका. देवी just stop it. Just stop it. देविका. देविका. ईशा को इस बिस्तर तक लाने के लिए कितनी एक्टिंग की तुमने बट नाउ यू आर ऑल माइन आरुष ईशा आरुष लीव मी ईशा ईशा स्टॉप ईशा वेट ईशा ईशा मेरी बात सुनो ईशा 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 एंजल तेरी बेटी है यू आर हर फादर आरुष जब मैं दिल्ली से वापस आया सिडनी तो मैंने ईशा को फोन करने की कोशिश की उसको मिलने की कोशिश की बट आई कुडंट ट्रेस हर लेकिन आरुष तूने उसे एंजल को ले जाने क्यों दिया तो एल मैं क्या करता वो उसकी माँ है कम ऑन आरुष माँ होती तो एंजल को हमारे दरवाजे के सामने नहीं छोड़ती I mean, इतने महीने से कहाँ थी वो इट्स ऑब्वियस शी डजंट केयर अबाउट एंजल और आज अचानक उसे याद आया कि वो एंजल की माँ है यू नो व्हाट यू आर सेइंग आरुष आई एम नॉट गोना एक्सेप्ट दिस इट्स बुलशिट यार तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया एंजल ईशा उसकी माँ है माँ होगी आरुष लेकिन हमने उसे पाला है शी इज आवर डॉटर एंजल का घर यहाँ है हम तीनों के साथ आई कांट लिव विदाउट हर ही इज राइट आरुष आई कांट लिव विदाउट हर टू नाउ यू आंसर मी आरुष हाँ जवाब दो मुझे कैन यू लिव विदाउट एंजल चुप क्यों आरुष जवाब दो मुझे क्या तुम एंजल के बिना रह सकते हो बता आरुष भूल जाए अपनी बेटी को क्या ये भी भूल जाए कि हमारी जिंदगी में कभी आई थी कम ऑन आरुष अब जो भी हो मैं अपनी बेटी को अपने घर वापस जरूर लेके आऊंगा मैं भी हम सब मिलके लेके आएंगे तुम्हारा नाना
मैं हूँ। डैड बहुत प्यार आ रहा है अपनी नाती पे, आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? आप तो पहले मिल चुके हैं ना इससे। I'm sorry. Dad, please don't keep saying sorry again and again. जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी तब तक मैं सॉरी कहता ही रहूंगा। Then I am sorry. क्योंकि उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। Anyway, I don't want to spoil my mood. क्योंकि मैंने अपनी बेटी का नाम सोचा है एंजल। You don't like it? No, तुम दोनों का एक साथ देखकर बड़ी खुशी हो रही है। बस इस परिवार में एक ही कमी रह गई है, एंजल के डैड की। परिवार के बारे में आप मुझे लेक्चर ना दे तो बेहतर रहेगा। आप जानते हैं परिवार होता क्या है? परिवार बनता है प्यार से, रिश्ते निभाने से। और आरुष के साथ मेरा एक ही रिश्ता है, नफरत का। एंड डैड, जो बात आज कही है दोबारा मत कहिएगा। एनीवे, मैं अपनी एंजल को लेकर शॉपिंग जा रही हूँ, है ना? बाय डैड। लगता है इस परिवार को पूरा करने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। I just don't get it. I mean, किस किस्म का आदमी अपनी ही नवासी से पीछा छुड़ाने के लिए उसे किसी और के दरवाजे के सामने छोड़ देता है? आपने अपनी बेटी से झूठ कहा कि उसकी बच्ची पैदा होते ही मर गई और उस बच्ची को संभालने के लिए अपनी सेक्रेटरी को दे दिया, और कुछ महीनों बाद जब उसने बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर दिया तब आपने उस बच्ची को हमारे दरवाजे पे छोड़ दिया। इसलिए नहीं क्योंकि आप एंजल को आरुष से मिलवाना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपके लिए एक मुसीबत बन चुकी थी। You should be ashamed to call yourself a father. I was protecting my daughter, damn it. जिसे तुम्हारे दोस्त ने धोखा दिया था, ओके? और जो भी मैंने किया उस वक्त मैंने समझा वो सही था। And I admit I was wrong. तुम्हें पता है मैं उस दिन यहां चाइल्ड सुपरवाइजर बनकर क्यों आया था? I was missing my granddaughter, that's why. लेकिन जब मैंने तुम तीनों को उसके साथ देखा, उसे प्यार देते हुए देखा, तो मुझे लगा कि जिंदगी में पहली बार शायद अनजाने में मैंने कुछ सही काम किया है। I'm sorry, sir. I'm sorry for what I did to your daughter. लेकिन अब ईशा को आपने क्यों बताया कि एंजल जिंदा है और हमारे पास है? इसलिए कि मुझे हार्ट अटैक हुआ था। मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर मैंने ईशा को सब सच बता दिया कि उसकी बच्ची जिंदा है और तुम्हारे पास है। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि वो हार्ट अटैक नहीं, एक माइनर चेस्ट पेन था। तुम्हारी तरह मैं भी ईशा का गुनहगार हूं आरुष। आरुष जी, आई नीड योर हेल्प। अगर एंजल को अपना परिवार पूरा करना है तो तुम्हें और ईशा को एक होना होगा। अंकल, मैं आपसे वादा करता हूं मैं ईशा के पास जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा और अपने परिवार को वापस लेके आऊंगा। That's a promise. ओह हो हो हो, क्यों रो रहा मेरा बेबी? ओ सी 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 दे। अरे वाह। ईशा, ईशा मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। उस दिन जो कुछ भी देखा तुमने वो तुम्हारी गलत फहमी थी, वैसा नहीं था। अच्छा ओके ओके, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। उस दिन जो कुछ हुआ उसे जाने दो, उस बात को हो जाने गया? दो। तुमने माफी मांगी, मैंने नहीं दी, अब मुझे जाने दो। ईशा प्लीज, ईशा डोंट टच मी। ईशा देखो, ईशा मेरी बात सुनो। फॉरगेट इट यार। हाउ डेयर यू टच मी, गेट आउट। लिलियन टेक हर इन प्लीज। ईशा, ईशा Enough is enough, okay? Just get the hell out of my house. Dad, call the cops. Isha, मैं तुमसे यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि हमारे बीच में जो misunderstanding हुई है, हमें उसे solve कर लेना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम अपने बच्चे के लिए एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं, माँ बाप का प्यार दे सकते हैं उसे। चाहो तो मैं कोर्ट जा सकता हूँ और वहां से ऑर्डर ला के अपने बच्चे को ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि your father will be behind bars and I don't want to do that because he is the person who abandoned our child.
आज एक बात कान खोल के सुन लो, तुम उसे भूल सकते हो या नहीं ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं अपनी बेटी को इतना प्यार दूंगी कि वो तुम्हें जरूर भूल जाएगी। माँ का प्यार तो दे सकती हो, but a child needs a father. She'll get a father. ईशा तुम ये क्या कह रही हो? Dad, don't you interfere. चाहे उसके लिए मुझे किसी से शादी क्यों ना करनी पड़े। कौन करेगा तुमसे शादी? ये जानते हुए कि तुम्हारे पास एक बच्चा है जो मेरा है, कौन करेगा तुमसे शादी? एक सच्चा आदमी। क्योंकि तुम्हारी तरह नहीं होते सब मर्द झूठे और मतलबी। लाखों ऐसे आदमी है दुनिया में जो न सिर्फ मेरी बेटी को अपनाएंगे बल्कि उसको बाप का प्यार भी देंगे। एंड यू विल सी। मुझसे ज्यादा प्यार? ऑफ कोर्स। ईशा 7 जन्म बीत जाएंगे ना तब भी मेरी बेटी के लिए मुझसे अच्छा बाप नहीं मिल सकता। 7 जन्म? 7 दिन? मैं लिख कर देती हूँ कि 7 दिन में तुमसे अच्छा आदमी ढूंढ निकालूंगी। फाइन, अगर तुमने 7 दिन के अंदर एक ऐसे आदमी से शादी की जो जिंदगी भर तुम्हारी और मेरी बेटी का ध्यान रख सकता है तो मैं तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाऊंगा। लेकिन 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 अगर 7 दिन के अंदर तुम ऐसे पति को नहीं ढूंढ पाई तो 7 दिन बाद आके मैं अपनी बच्ची को लेके जाऊंगा। एंड दैट विल बी लीगल। ओके, डन, गुड। तूने क्या किया आरुष? तू वहां गया था एंजल को वापस लाने के लिए और वहां जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया जिसके वजह से एंजल हमेशा के लिए हमसे दूर हो सकती है। गॉड, हाउ कुड यू? और तू ये कैसे भूल गया कि एंजल सिर्फ तेरी नहीं हमारी भी बेटी है? और तुझे हक दिया किसने? गॉड डैम इट, तेरी नहीं तन्मय, नहीं। एल, इसे समझा यार। अरे क्या समझाऊं इसे, ये तो पागल हो गया है। चल हम जाके एंजल को लेकर आते हैं, चल ना। मैं ईशा से प्यार करता हूं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं।